मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, मैं लाइन से खड़ा किया, 10-12 थे हम लोग, हाथ में पाउडर लिया और सब पे बोले हो गया मेकअप, जाओ। अब मैं नवाज साहब के साथ नहीं बैठूंगी क्योंकि ये मुझे हंसाएंगे, फिर मैं डिसओरिएंट हो जाऊंगी। 2006 में मेरा डेब्यू हुआ था। ये फिल्म एक बार पहले लॉन्च हो चुकी थी। ये फिल्म पहले मैं और इरफान साहब कर रहे थे और इस फिल्म का नाम था डिवाइन लवर्स। ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि इरफान साहब वॉज नो वेयर अराउंड। फिर ऐसे ही मैंने फॉर फन आई सेंट इट टू अपर्णा जी एंड द वे दे जस्ट लैप्ड इट अप, लाइक लेट्स डू दिस। ऑलमोस्ट द डे आई सेंड उसी वीक में ना लेट्स डू दिस, तो उससे हमें बड़ी हिम्मत मिली। मेरे लिए और मैं अभी बस रो ही रही थी जब मैंने ट्रेलर देखा। एंड जस्ट टू से दैट ये मेरा डेब्यू है, मेरी पहली फिल्म है और मेरी पहली फिल्म ही मुझे नवाज सर और कंगना मैम के साथ मिली। ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड व्हेन मैम चोज मी एज हर टीकू, दैट वॉज सो स्पेशल फॉर मी एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू प्रूव that you know I can and I can do justice to this character because I know that Tiku is so close to her heart. This film, this script, this story is so close to her heart, jaise ma'am ne bola. So I just wanted to do justice and Nawaz sir ke saath matlab unke saath screen share karna, bahut hi zyada nervous thi main jab pehli baar hum logo ne you know scene diya aur I think wo wali nervousness aaj bhi mujhe feel ho rahi hai. एंड बस ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कंगना मैम को एंड नवाज सर को कि दे चोज मी एंड मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है, आई हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट शी ट्रीटेड मी लाइक हर ओन एंड दैट वॉज वेरी स्पेशल टू मी। आई वॉज वेरी नर्वस एंड शी वॉज देयर इन ईच एंड एवरी सीन। आई रिमेंबर मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, मैं लाइन से खड़ा किया, 10-12 थे हम लोग और हाथ में पाउडर लिया और सब पे बोले हो गया मेकअप, जाओ। तो इस तरह की अभी अचानक से याद आया था मुझे इंसिडेंट। तो बाकी बहुत सारे ऐसे थे जिन लोगों के साथ मैं स्ट्रगल करता था, वो मैंने फिल्म में भी देखा। एक मिस रवि फिल्म की थी मैंने, तो उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त थे पुराने। अच्छा, उनको पता नहीं है मैं मेन लीड कर रहा था उसमें, मिस रवि में। तो बोले अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, मैंने हेलो मैं मेन लीड कर रहा हूँ, किसी को बताने मत मैं तुम्हारे साथ काम करता था। आप हम लोग भी एक दूसरे को ऑलमोस्ट उतने सालों से जानते हैं जितने सालों से अब मैं काम कर रही हूँ। बट सी नवाज साहब, ऑब्वियसली मैं उनको एज एन एक्टर हमेशा से जानती थी, लेकिन अब तो हम लोग वी आर लाइक, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्ती हो गई है। ऐसा नहीं हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं रोज़ या मैं इनको बताती हूँ कि क्या गप्पे लड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब भी इनसे मिलते हैं तो एक बहुत ही एक कम्फर्ट इनकी कंपनी में होता है। और मुझे तो जब भी ये मुझे देखते हैं कि इनको जोक्स याद आते हैं और मुझे तो हंसा हंसा के ये रुला देते हैं, क्योंकि हमारी सेट पे कभी ऐसा कुछ गंभीर भी सीन हो तो मैं सोचती थी कि अब मैं नवाज साहब के साथ नहीं बैठूंगी क्योंकि ये मुझे हंसाएंगे, फिर मैं डिसओरिएंट हो जाऊंगी।